हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात 1 eV क्या होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात 1 eV क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है? ऊर्जा होती है। और वो कौन सी ऊर्जा होती है उसको ध्यान से समझें। देखिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। चलिए आइए अब मैं समझा देता हूँ इसको। देखिए स्टैंड, मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं। मान लीजिए एक पॉइंट आपके पास ये है, ठीक है, जिसको मैं ए पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है। और मान लीजिए इसका जो सेकेंड पॉइंट मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए एक सेकेंड पॉइंट आपके पास वी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं के विभव की बात करता हूँ तो मान लीजिए बिंदु बी पर जो विभव है वो बच्चों क्या है? वी है। और जो बिंदु ए पर जो विभव है क्या है? वो वी ए है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच विभवांतर है वो 1 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे विभव मान लीजिए 2 वोल्ट है, यहाँ पे विभव मान लीजिए 3 वोल्ट है। और समझिए आप लोगों को, यानी बिंदु बी पर विभव कितना है ऐसे मान करके चलिए। देखिए ये मान लीजिए 2 वोल्ट का ऐसे मान रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मान लीजिए कितने वोल्ट का विभव है? ये 3 वोल्ट का विभव है। तो यहाँ पे अगर आप अंतर देखें, तो वी ए माइनस वी वी इजिकल टू कितना है स्टूडेंट? ये कितना आएगा? 3 माइनस 2, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, 3 माइनस 2 बराबर कितना आएगा? 1 वोल्ट के बराबर आएगा। उम्मीद है कि मैं आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यही इसको समझना जरूरी है कि देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो विभवांतर वो कितना? 1 वोल्ट है। यानी दो बिंदु मैंने लिए हैं, ठीक है। वी एक तो लिया है वी, दूसरा क्या लिया है? ए। बिंदु बी का जो विभव है वो क्या मैंने माना है? वी वी माना है। और जबकि बिंदु ए का जो विभव है वो क्या? वी ए है, ठीक है। और इनके बीच का जो विभवांतर वो कितना? 1 वोल्ट है। ये जरूरी नहीं है कि ये 2 और 3 हो, ये आपका 1 भी हो सकता है, ये आपका 0 भी हो सकता है, ये आपका 5 हो सकता है, ये आपका 6 हो सकता है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो 1 वोल्ट होना चाहिए। यानी इनके बीच में जो होना चाहिए 1 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 6 वोल्ट का विभव है, मान लीजिए यहाँ पे 7 वोल्ट का विभव है। फर्स्ट में आ रही है, जब इनका डिफरेंस निकालेंगे स्टैंड तो फिर से आपका क्या मिलेगा? 1 वोल्ट आएगा। फर्स्ट में आ रही है, तो उम्मीद है कि मैं यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ दो बिंदु कंसिडर किए हैं, ए और वी, ठीक है। जहाँ बिंदु ए का जो विभव है वो वी ए है, और जो बिंदु बी का जो विभव है वो वी वी है, ठीक है। अब किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, हम 1 वोल्ट के विभवांतर से क्या कर रहे हैं? त्वरित कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह में पहले मैं चार्ज लेता हूँ, मैंने आवेश से समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये क्यू चार्ज है, क्या चार्ज है? ये क्यू चार्ज है, ठीक है स्टैंड। और मैं इसको कहाँ से लेकर के आ रहा हूँ? यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ रहा हूँ। कहाँ से? बी से ए तक लेकर के आ रहा हूँ। किधर को लेकर आ रहा हूँ? यानी बिंदु बी पर है चार्ज, कहाँ है? मैं चलो इसको थोड़ा पीछे हटा के दिखाता हूँ, ये बिंदु बी पर चार्ज है, ठीक है। अब इसको कहाँ लेकर के आ रहा हूँ मैं? बिंदु ए तक लेकर के आऊँगा, इसको कहाँ तक लेकर आऊँगा? अच्छा, ए तक लेकर के आऊँगा। अतः ए तक लाने में, ध्यान समझे, मुझे ए तक लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा? ए, इसकी जो ऊर्जा होगी वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। एक बार ध्यान समझें, मैंने दो बिंदु कंसिडर किए ए एंड बी, जहाँ बिंदु ए का विभव क्या है? वी ए है। और बिंदु बी का विभव क्या है? वी वी है, ठीक है। अब मैंने किसी चार्ज को रख दिया, ठीक है, बिंदु वी पर रख दिया। अब बिंदु वी से ए तक लाने में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और याद रखना वी और ए और वी के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। बस में आ रही आप लोगों को, तो मुझे वी से ए तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। बस में आप लोगों को, ठीक है, एक बार ध्यान समझें। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये बनेगी कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। उम्मीद है कि मैं तो आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझिए, मैंने ये कहा कि मैंने दो पॉइंट लिए ए एंड बी, ठीक है, जहाँ ए का जो विभव मैंने लिया वी ए लिया, और जो बी का विभव वो क्या है? वी वी। अब मैंने क्या रखा यहाँ पे? किसी चार्ज को रख दिया, ठीक है। और जब चार्ज को रखा तो मैंने कहा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। बस समझिए आप लोगों को, तो 1 वोल्ट के विभवांतर से इस क्यू चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, बस समझिए आप लोगों को, तो वो क्या कहलाएगा? इस इलेक्ट्रॉन द्वारा, इस इलेक्ट्रॉन की कहलाएगी वो ऊर्जा कहलाएगी। और उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और जिसे हम कैसे लिखते हैं बेटा? 1 eV से लिखते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, अगर मैं विभव की परिभाषा से देखूँ तो विभव की परिभाषा हम लोगों से कहती है वी ए माइनस
वी वी इज इक्वल टू, ये मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये किसकी परिभाषा है? वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है। किसी परिभाषा बेटा? वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ से कार्य का मान निकालूँ, यहाँ से अगर मैं बच्चों कार्य का मान अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से इसके ऊपर मैं वन मान लूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूँगा तो मुझे कार्य का मान मिलेगा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू मिलेगा स्टूडेंट मुझे क्यू इन टू वी ए माइनस वी वी ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट एक ध्यान से समझें, अगर मैं इस Q की जगह में किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के आऊँ, किसको लेकर आऊँ बेटा? इलेक्ट्रॉन को लेकर के आऊँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ठीक है, बस में आ रही है। अगर मैं इस Q की जगह किसको लेकर आऊँ बेटा? इलेक्ट्रॉन को लेकर के आऊँ, कहने का मतलब मैं Q द्वारा क्या लेना चाह रहा हूँ या E लेना चाह रहा हूँ। E का मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा हूँ, बस में आ रही है, क्योंकि नाम में क्या रहा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करने वाले हैं ठीक है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो हम क्यू की जगह क्या ले रहे हैं यहाँ पे? ई ले लेंगे। क्या लेंगे बेटा? ई लेंगे। तो देखिए यहाँ इस पर ध्यान समझें तो परिभाषा क्या बनेगी आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगी आपकी, हमने क्या लिया क्यू ई ले लेंगे तो ई हो जाएगा ठीक है स्टैंड। अच्छा अब ध्यान से समझें यहाँ पे वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी वी इनके बीच का डिफरेंस कितना है? वन वोल्ट है। कितना है? वन वोल्ट है स्टैंड ठीक है। अच्छा है तो आपको समझ में आ चुका होगा, तो आज को वन को आगे निकालता हूँ तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया स्टैंड? डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया आप लोगों के पास वन ई वी, क्या हो गया? वन ई वी हो गया। बस समझ में आई आप लोगों को? अब ध्यान से ये समझे स्टैंड, ये जो ई होता है, ये जो ई होता है ठीक है, और हाँ फिर मैं यहाँ पर इसका मात्रक बताता चलूँ आप लोगों को, ध्यान समझें इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए ई का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों, वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। बस समझ में आई आप लोगों को? यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ ई की वैल्यू रखता हूँ, ध्यान समझें, तो डब्ल्यू जी करते कि मैं चलो आगे लिख देता हूँ इसको, ध्यान समझें। देखिए अगर मैं तो बन तो देखो आपका ये रहा ठीक है। अच्छा ई का मान कितना होता है? ई का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा आगे हटा दूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ऊपर लिखता हूँ वी ए माइनस वी वी, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटो? एक वोल्ट है। कितना है? एक वोल्ट है ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखें बेटो, मैंने क्या किया कि डब्ल्यू इज इक्वल टू मुझे क्या मिला? वन ई वी के बराबर मिला ठीक है। अच्छा अब वन ई वी, तो मैंने ई की वैल्यू रखा 1.6 इंटू 10 की माइनस के 19 ठीक, और ये जो बी ए बेटा आपका ये आ गया ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान समझे, ये जो ई था ये क्या आवेश है? क्या है? आवेश है, बस में आ रही है। और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? आवेश का मात्रक होता है जूल, सॉरी कूलाम। क्या होता है आवेश का मात्रक? क्या होता है? कूलाम होता है ठीक है। अच्छा अब ये जो आप बी देख पा रहे हैं, बी क्या है? विभवांतर। और विभवांतर क्या होता है? देखिए बी बराबर क्या होता है? बी बराबर होता है बच्चों आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? डब्ल्यू का मात्रक होता है बच्चों जूल। क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम ठीक है। तो मैं इस बी को क्या लिख सकता हूँ? इस बी को लिख सकता हूँ बच्चों जूल प्रति कूलाम। ध्यान समझो, देखो W अपॉन क्यू मात्र को बात चल रही है, जैसे आवेश का मात्रक क्या लिखा मैंने? कूलाम लिखा। ये जो E आप देख पा रहे हैं पास में आ रही है, तो इस आवेश का मात्रक क्या लिख रहा हूँ मैं? कूलाम। ये जो आप Q देख पा रहे हैं ना, इसका मात्रक मैंने क्या लिख दिया? कूलाम लिख दिया ठीक है। अब VA माइनस VB यानी क्या है? वैद्युत विभवांतर है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम होता है ठीक है, जूल प्रति कूलाम। ध्यान से समझो, जूल प्रति कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाएगा स्टैंड। तो आपको मिलेगा ये जो मिलेगा W बराबर 1 ई वी बराबर, तो हम इसको 1 ई वी लिख सकते हैं ठीक है। 1 ई वी बराबर आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल मिलेगा। यानी कहने का मतलब है ये वैल्यू आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो कितने बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 के माइनस 19 जूल के बराबर होता है ठीक है स्टैंड। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो जिसको अभी समझ में नहीं आया, ये वाला मात्रक वाला फंडा समझ में नहीं आया, इसको मैं देखिए आइए मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए डब्ल्यू इजिकल टू क्या मिला आपको? 1 ई वी मिला ठीक है। देखिए डब्ल्यू इजिकल टू बेटा आपको क्या मिला? 1 ई वी मिला। डब्ल्यू इजिकल टू 1 ई वी मिला ठीक है। अच्छा देखिए ये जो ई है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। मैंने क्या कहा? क्योंकि जगह तो मैंने ई लिया था, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? कूलाम होता है ठीक है। अच्छा बात समझिए आप लोगों को, बन दिखाना चाहें तो बन आगे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। आप ये क्या विभव, विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। मैंने आपको बताया बी का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, यानी बी को लिख सकता हूँ मैं जूल प्रति कूलाम।
कैलिस्तम बच्चों जूल प्रति कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से आप देखें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। अब वन की जूल से गुणा करोगे तो जूल ही रह जाएगा, वन को लिखने का फायदा भी नहीं होगा, है ना। तो क्या करेगा, जूल आ गया, यानी कार्य का मतलब जूल होता है। तो कार्य हमें क्या करार मिल गया, वन ईवी करार मिल गया, क्या होना, वन ईवी करार मिल गया, ठीक है स्टैंड। तो ध्यान से देखें यहाँ पे, इस चलो यहाँ पे इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ध्यान समझें। तो देखिए अब डब्ल्यू क्या बराबर है, वन ई वी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू बराबर वन ई वी बराबर कितना, वैल्यू रखना चाहो तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये तो एक्स्ट्रा वर्क है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे एग्जाम में इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान समझें, देखिए मैंने क्या किया, दो पॉइंट लिए ए एंड वी, ए एंड वी लिए, ठीक है। अच्छा, बिंदु ए का जो विभव माना है माना बी ए माना, और बिंदु बी का जो विभव माना है वो भी वी वी माना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में मैंने किया ये कि किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन, हमें बात करनी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमने किसी इलेक्ट्रॉन को बिंदु बी से लेकर कहाँ है, कहाँ से लेकर कहाँ है, हम बिंदु बी से लेकर कहाँ हैं, कहाँ तक लेकर कहाँ रहे हैं, बिंदु ए तक लेकर कहाँ रहे हैं, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, यानी विभव है वो कितना, एक वोल्ट का विभव है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। तो परिभाषा लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ इसी परिभाषा कि आपसे पूछ जाएगी, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से, विभवांतर से त्वरित किया जाए, त्वरित, त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा, इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, बराबर होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन जो आपसे एक नंबर में पूछी जाती है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, ठीक है स्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड, कैसा कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, कभी कभी इसके जो वैल्यू पूछ ली जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैंने आपको समझा दिया, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। आइए मैं अब उसको समझाता हूँ। तो देखिए स्टैंड, तो अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ चुका है। तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही वाली वैल्यू थी जो आपसे, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कैसे निकलती है 1.6, तो मैंने ये भी दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए तो याद रखें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है, यानी ऊर्जा ही होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं है, ऊर्जा है। और वो कौन सी ऊर्जा है, जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर चलाएं तो इलेक्ट्रॉन को चलने में जितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, वही ऊर्जा कहलाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात और इंपॉर्टेंट है, वो लिख लें। देखिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहाँ समझेंगे। फिर आगे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर हम समझेंगे 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसका यूज तो हम आपकी सेकंड किताब में पढ़ेंगे भी कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए के का मतलब होता है किलो, एक इसका मतलब है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका मतलब है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा के का मतलब होता है किलो, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, यानी के का मतलब होता है, बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए चलिए यहाँ पर समझ लिए, के का मतलब कितना, के का मतलब 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे आप समझेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैं इतनी बड़ी वैल्यू ना लिख करके, ठीक है, 10 याद क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। इसी प्रकार से अगर आप एम की बात करें, एम की, तो एम का मतलब होता है मिलियन, क्या होता है बच्चों, मिलियन, यानी 10 याद कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके ऐसा लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶ लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10⁻³ किलो वाले को, है ना, क्योंकि इसके 3 जीरो आ रहे हैं।
और 10 मिलियन वाले में क्या ले सकते हैं, 10 की घात 6 ले सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बेटा, 10 की घात 6 ले सकते हैं। इसी प्रकार ये जो बिलियन वाली कहानी है, इसका मतलब होता है 9 जीरो। 9 जीरो का मतलब होता है 10 की घात कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 की घात 9 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए 10 की घात, देखिए आप ध्यान समझें, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो पहले किलो की बात कर ले, 10 की घात 3। ठीक है, अच्छा अभी देखो 1 eV का मान आपको पता है, 1 ये है और eV आपका ये है, इसका मान आप जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10 की घात −19 जूल होता है। ठीक है, तो अब अगर इसको अगर लिखना चाहें आप लोग तो कैसे लिख पाएंगे, देखिए 1.6 की पॉइंट डिस्टेंस, ठीक है, यानी 1.6 × 10 की पावर − ठीक है 3 प्लस की है, तो 19 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा आपका, 16 जूल बचेगा। यानी आपका 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10 की पावर − 16 जूल के बराबर होता है। कैसा आया समझे, तो के की जगह मैंने कितना लगा, 10 की घात 3 लिख लिया। अब 1 eV, देखो 1 तो ये है और ev हैगा, तो 1 eV का मान तो मुझे पहले से पता है, 1 eV का मान कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर − 19 जूल होता है, तो देखिए मैंने वो लिख दिया। ठीक है, 1.6 × 10 की पावर − 19 जूल, पावर को मैंने कम कर दिया, कितनी रह जाएगी, 16 जाएगी। इसी प्रकार से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो मिलियन का मतलब कितना, 10 की घात 6 होता है, यानी 10 के आगे 6 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख को मैं क्या ले सकता हूँ, 10 की घात 6 ले सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार जो के था, के का मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 की घात 3। बात समझ में आ रही है, अच्छा अब देखो ई बन ई वी बन ये है और ई बी येगा, तो बन ई बी हो गया, बन ई बी का मान मुझे पहले से पता है कितना है, 1.6 × 10 की पावर − 19 जूल। ठीक है, जब आगे इसको सब सोल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा स्टैंड 1.6 × 10 की पावर − देखिए 6 जीरो कम कर लेंगे तो कितने 6 घातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्लस की है ये माइनस की है, तो माइनस कितनी बचेंगी बेटा आपकी, 13 बचेंगी पावर। और ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको सेकंड किताब में ही पढ़ने मिलेगी। अच्छा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9, 10 के आगे 9 जीरो स्टैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप लोग ध्यान समझें, तो 10 की घात हो जाएगी 9। ठीक है स्टैंड, 1.6, बाकी जो 1 eV है, 1 और eV की वैल्यू तो मुझे पता ही है कितनी है, 1.6 × 10 की पावर − 19 जूल। ठीक है, जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1.6 × 10 की पावर, देखिए 19 से जब 9 कटाएंगे तो कितना बचेगा, −10 बचेगा, और सारे आंसर का बेटा ये जूल में आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं जूल में। तो याद रखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 की घात − 19 जूल के बराबर होता है, जबकि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 × 10 की घात − 16 जूल के बराबर होता है। 1 mev यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है नाम याद रखें, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है वो कितने बराबर होता है, 1.6 × 10 की घात − 13 जूल के बराबर होता है। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है वो कितना होता है, 1.6 × 10 − 10 जूल के बराबर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आइटम्स जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी स्टैंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी स्टैंड। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मैंने बताया यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभांतर से, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभांतर से त्वरित किया जाए, ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है स्टैंड, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 की पावर − 19 जूल के बराबर होती है। ठीक स्टैंड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए स्टैंड। ठीक है, और लिखना चाहते हो इसको भी लिख सकते हो, बिलियन का मतलब 10 की घात 9 होता है, किलो का मतलब 10 की घात 3 होता है, और एम का मतलब 10 की घात 6 होता है स्टैंड। ठीक है, तो स्टैंड आज के इस वीडियो लेक्चर में बस यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।